An election report from Netsi Village of Jaisalmer, where our correspondent Santia Gora spoke to a group of women voters. Let's listen in. Every voter expects something from the government while casting his or her vote. The voter keeps the issues in mind. Right now, we are in the Netsi village of Jaisalmer and we are being joined by the rural women of Rajasthan to understand their issues and expectations. Namaskar, mujhe aap logo se baat karke ye samajhna hai ki auraton ki jahan tak baat hai, to auraton ki aapke gaon mein kya sthiti kya hai? Aapke liye kya hai suvidhaen yahan pe gaon mein aapke liye? सुविधा है ही नहीं आपके गांव में, बहन जी है कोनी, शौचालय है कोनी, पानी व्यवस्था है कोनी, व्यवस्था गैस कोनी, लाइट है जो बिल भरो जी दे होता है तो भरा नहीं, केन में भरा। तो आपके गांव में अगर शौचालय नहीं है तो आप तो लेडीज हो, आप कहां जाते हो फिर? बाहर जाते हैं, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बंद साधन कोनी, न कोई पोरियो नहीं, कोई धंधो नहीं, धोरो नहीं, कहीं नहीं, भूख ठोकी जाए कहीं को। तो जैसे हॉस्पिटल का क्या, हॉस्पिटल है यहाँ पे कोई? रामगढ़ जाओ, रामगढ़ जाओ पढ़े तो रामगढ़ जाओ, ये नहीं है, कहीं नहीं है तो सहायता। तो जैसे कोई डिलीवरी वगैरह होती है तो रामगढ़ जाओ, रामगढ़ में नहीं आत गता तो जैसलमेर जाओ, जोधपुर जाओ, जोधपुर बहुत दूर पड़ गया, किसी की तकलीफ ज्यादा है तो वो बस कहीं को नाथ महा लेटा पे लुगा खत्म हो जाओ, कहीं को नहीं मर जाते हैं, मर जाता है जो कहीं नहीं है, जो नी कोई बाथरूम नी लेटरिन नी पानी नी बिजली कहीं को नी मुरबो नी जो कहीं को नहीं, तो मुरबो खास के। आपकी हाँ। बेटियां बच्चियां यहाँ पे पढ़ने के लिए जाती हैं कहीं पे? है कोनी पढ़ने जाते हैं, तो मास्टर है तो आठवीं स्कूल है ना, दसवीं आई है तो मैडम कोनी, इसके कहीं कौन सहायता जी? कितना दूर जाते हैं आपके बच्चे पढ़ने के लिए? आठवीं नौ, आठ किलो दूर। और कितना दूर, कितना दूर? आठ किलोमीटर, आठ किलोमीटर जा रहा है रोजाना, आठ किलोमीटर आना, आठ किलोमीटर जाना, वो किराए खुद धनी भरे, धनी खुद भरे किराए, धनी किराए भरे, तो लड़कियों के लिए मैडम को नहीं। अच्छा, लड़कियों के लिए मैडम नहीं है, कौन मास्टर है? स्कूल है लड़कियों के लिए, स्कूल वो शौचालय कमरा चार पूरा भेड़ा पड़े, लड़का लड़के पूरा दो कमरों में पड़े। और बच्चियों के लिए अलग से टॉयलेट नहीं है वहाँ? अलग नहीं है, अलग शौचालय नहीं है, बच्चियों लिए कमरा नहीं है, बच्चियों लिए। तो अभी आपके एक उज्ज्वला योजना करके आई है जिसमें गैस सिलेंडर मिलता है, वो आप लोगों को किसी को मिला है? ओ कोई मिला है, एक दो मिला है, मिला जो घने गांव को मिला, गांव हर यहाँ जाए। तो आप लोग फिर कैसे चूल्हे पे खाना बनाते हैं? चूल्हे पर लकड़ी लाओ, लकड़ी लाओ, खाना बनाओ, मिट्टी का चूल्हा बनाओ, मिट्टी ला, मिट्टी चूल्हा बनाओ, रोटा बनाओ, लकड़ी माथे खोन ले भारी नौकी हमें एथागोड़ी आई है। काम धंधा नहीं औरतों के लिए? काम नको धंधा सड़ा बैठा है, बिजली हर फेमिन बे मैं सड़ा करे फेमिन वाले मोर न लिखे तो फेमिन में मोन 300 रुपया जी मोन 200 रुपया बता दे, मैं 200 मैं इतनी बारी क्रम की खा चेनी तुम लाइट ती जो लाइट काट काट बिल हाट हाट हितर हितर 1000 रुपया आया है ना खुद ना वो बिल बिल जाम हो भरी। लेकिन हाँ, लेकिन आप लोग जैसे राजस्थान चेनी तुम करना है गलत लगा जाओ या गलत लगा क्या मौ 25,000 मौन कर सारी मौन एक ही मकान में सारी एक ही कोठी है मजे जिकर का 25,000 लाओ भरम 25,000 हुकड़ा लाओ। क्या आपको लगता है कि औरतें जो हैं वो सेफ हैं, सुरक्षित हैं यहाँ पे राजस्थान में? क्योंकि बहुत ज्यादा अपराध उनके खिलाफ होते हैं, औरतों के खिलाफ उनको मारने पीटने के? नहीं, वो नहीं है, वो यहाँ पे वो नहीं तो नहीं है, कोई कुछ नहीं मारे यहाँ पे, नहीं है, नहीं है, ठीक, वो कुछ नहीं है, है सुविधा कहीं कुछ। So these are the women of Netsi village. As far as the issues pertaining to women are concerned, they are saying that how first they have no education. If you talk about the schools, the girl students in the school, they have no separate bathroom in the school. So they have to, the dropout rate increases because of that. Apart from that, there is no water and there is no gas also. So they have to fetch the fuel, which is dry wood and water. And they have to walk for kilometers to do that. Apart from that, as far as safety is concerned, the women of this village are saying that they feel safe. But as far as other facilities are concerned, health is a problem. Because as these women said that there is no hospital in this particular region. So the women have to go to different district altogether to get basic health facilities, and at times, especially during deliveries, many women have lost their lives also. So these are the women and their issues. These are the women voters in Rajasthan talking about their issues when the state goes for elections on 7th of December. In Netsi, Jaisalmer, with camera person Sachin Yeram, this is Santia for Mirror Now.